2011 में नासा के द्वारा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जूनो, जिसका मेन मकसद था जुपिटर के बारे में जानकारी जुटाना। 5 जुलाई 2016 में फर्स्ट टाइम जूनो जुपिटर के ऑर्बिट पर पहुंचा। उसके बाद अतीत काल से मौजूद कई सारे खोज और बारीकी से स्टडी योग्य डेटा कलेक्ट करने लगा। तब से लेकर प्रेजेंट डे तक जूनो ने कई सारे अद्भुत तथ्य दुनिया के सामने रखे, खासकर जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड, पोलर मैग्नेटोस्फीयर और जुपिटर के चंद्रमाओं के बारे में गहराई से स्टडी करने में जूनो मददगार साबित हुआ। नासा के इस सफल मिशन ने 7 जून 2021 में एक अजीब सा रेडियो वेव्स कलेक्ट किया था। जुपिटर का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है गैनीमेड और सौरमंडल में भी एक बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। जुपिटर के इस उपग्रह को चक्कर लगाते हुए जूनो में लगा हुआ रेडियो एंड प्लाज्मा वेव सेंसर ने एक अजीब सा रेडियो वेव्स रिकॉर्ड किया था, जिसे नासा के द्वारा एक ऑडियो ट्रैक करके रिलीज किया गया। इस रेडियो वेव्स को ऑडियो ट्रैक में कन्वर्ट करने के बाद अगर ध्यान से सुनेंगे तो फ्रीक्वेंसी में बदलाव सुना जा सकता है, जिसे गैनीमेड के मैग्नेटोस्फीयर पर भिन्न रीजन्स को बताया जा रहा है। गैनीमेड के 645 माइल दूरी से जुपिटर के 34वें ट्रिप लगाते हुए जूनो ने ये असाधारण वेव्स को मनुष्य समाज के सामने रखा। दोस्तों, रियली में ये साउंड अद्भुत है, जरा सुन के बताइएगा। Thank you.